भारतातून भारतीयता काढून घेतल्यास भारत हा भारत राहणार नाही। त्यासाठी इतिहासाचा अभ्यास आणि जाणीव महत्त्वाची आहे। इतिहासाचे विस्मरण होत आहे हे आपल्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे, असं मत भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते डॉक्टर संबित पात्रा यांनी व्यक्त केलंय। विश्वसंवाद केंद्राने डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या आद्यव पत्रकार देवर्षी नारद पत्रकारिता पुरस्काराचे वितरण शनिवारी डॉक्टर पात्रा यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी ते बोलत होते। ज्येष्ठ पत्रकारांसाठीच्या पुरस्कारासाठी आज का आनंदचे समूह संपादक श्याम अगरवाल, युवा नवोदित पत्रकार पुरस्कारासाठी दैनिक दिव्य मराठी सोलापूर आवृत्तीचे सिद्धराम पाटील, व्यंगचित्रकार पुरस्कारासाठी बारामतीचे शिवाजी गावडे आणि सोशल मीडिया पुरस्कारासाठी हिंदुस्तान टाईम्स मराठीचे विश्वनाथ गरुड यांना सन्मानित करण्यात आलं। ज्येष्ठ पत्रकारासाठी 21,000 आणि उर्वरित 3 पुरस्कारांसाठी प्रत्येकी 11,000 रोख मानचिन्ह आणि शाल असे पुरस्काराचे स्वरूप होते। यावेळी विश्वसंवाद केंद्राचे अध्यक्ष मनोहर कुलकर्णी आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष महेश आठवले, कार्यवाह श्रीकृष्ण कानेटकर आणि पुरस्कारार्थी व्यासपीठावर उपस्थित होते। यावेळी बोलताना डॉक्टर पात्रा म्हणाले, देशाने राजकीय नेत्यांना डोक्यावर बसून ठेवले आहे, ही देशाची दुर्दैवी परिस्थिती आहे। संपन्नतेसाठी संवाद आवश्यक आहे आणि त्यासाठी विश्वसंवाद केंद्राचे कार्य महत्त्वाचे आहे। तुमच्या देशात मोठी व्यक्ती होऊ शकत नाही हे पाश्चात्यांनी आपल्या मनावर बिंबवले आहे। इंग्रजांनी जाणीवपूर्वक येथील ज्ञान नष्ट केले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ते ज्ञान पुनर्विजीवित करण्याचा प्रयत्न केला आहे। आत्मविश्वास हरवलेला देश कधीही पुढे जाऊ शकत नाही। भारतातून भारतीयता काढून घेतल्यास भारत भारत राहणार नाही, त्यामुळे प्रत्येक वर्गाने आपापले आदर्श भारतीय परंपरेतून शोधायला हवेत। आरोग्य क्षेत्राने चरक आणि धन्वंतरीचा आदर्श मानायला हवे, नोकरशाहीने विश्वकर्मांना आदर्श मानायला हवे तर पत्रकारांनी नारदांना आदर्श मानायला हवे। देश आणि राष्ट्र या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि आपण राष्ट्रावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजेत, असेही ते म्हणाले। विचारों के आदान प्रदान के लिए, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं, ये साधारण भूमि नहीं है और यहां की संतान साधारण नहीं होनी चाहिए। मैं नमन करता हूं दोनों संगठनों के जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को आयोजन किया। विश्व संवाद केंद्र, देखिए संपन्नता के लिए संवाद अनिवार्य है। चाहे संपन्नता किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे विवाह में संपन्नता हो, सांसारिक जीवन में संपन्नता हो, पति पत्नी यदि संवाद न करे तो संपन्नता नहीं हो सकती। किसी भी क्षेत्र में, अभी धन का जिक्र हो रहा था, धन के लिए भी संवाद की आवश्यकता है, पैशन के लिए भी संवाद की आवश्यकता है। बिना संवाद के कुछ संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए संवाद महत्वपूर्ण है और विश्व संवाद केंद्र ने इस प्रकार का एक गरिष्ठतम संवाद रखा, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये साधारण सोसाइटी नहीं है, इतने बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज के आप सोसाइटी हैं। इतने वर्षों से, दशकों से, शतक भी ऊपर हो चुका है, आप इस विषय को चला रहे हैं, आपको कोटि कोटि नमन। इस प्रकार का कार्य आप आगे बढ़ाते हैं। माननीय मनोहर कुलकर्णी जी, आप बड़े हैं, जब आप भाषण दे रहे थे मराठी में दे रहे थे, मैं सुन रहा था, मेरे सारे पॉइंट आपने चुरा लिए। जब भी कोई भाषण देने वाला होता है वो बड़े ध्यान से सुन रहा होता है कि मैं क्या बोलूंगा। मेरे से पहले तो जो जो मैं लिख के लाया था सब बोल रहे हैं। बहरहाल आप गुरुजन हैं, आप आशीर्वाद देते रहे। मनोहर कुलकर्णी जी, जब अभी छायाचित्र निकाला जा रहा था, फोटोग्राफी हो रही थी, अवार्ड सेरेमनी चल रहा था, तो मनोहर जी शांत स्वभाव से पीछे खड़े थे, तो मैंने कहा मनोहर जी सामने आ जाइए, फोटो में आ जाइए, हमारे पत्रकार बंधु आपको फोटो में चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मेरा आकार प्रकार इतना बड़ा है कि कहीं से भी फोटो में आ जाओ। मनोहर जी, वास्तविक रूप में आपका आकार प्रकार बड़ा है।